हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवाशीष कुमार और आप देख रहे हैं देव टेक। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी अभी मुझे पार्सल मिला है। हम फ्लिपकार्ट प्लस कस्टमर है और ये है रेडमी नोट 7 प्रो। चलिए देखते हैं कि फ्लिपकार्ट का पैकेजिंग कैसा है और ये कैसे जो है अपने प्रोडक्ट को सेफ रखते हैं जर्नी के टाइम जब ये डिलीवर होता है इन दैट प्रोसेस। ओके, सो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं फ्लिपकार्ट पैकेज का। ये आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट का पैकेज है और यहाँ पर मेरा एड्रेस है। चलिए इसको करते हैं अनबॉक्स, तो स्टार्ट करते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट करें? सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पैकेजिंग काफ़ी हार्ड है और यहाँ भी ये है। ओके, सो आई थिंक दिस इज डन। और एक और यहाँ से बीच से सील होता है। ये सील जो है आप देख सकते हैं कि ये खुला है या नहीं खुला है। सो हियर इज द बॉक्स। सो जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये फ्लिपकार्ट के बॉक्स के अंदर ही जो है डायरेक्ट ये बॉक्स मिलता है। ये रेडमी नोट 7 प्रो का बॉक्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके अंदर में आपको रिसिप्ट मिल जाएगा। तो चलिए, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि ये रेडमी नोट 7 का बॉक्स है और इसके बाहर में बहुत ही अच्छी एक प्लास्टिक कोटिंग की हुई है ताकि ये गिर जाए या फिर इधर उधर हो जाए इन द टाइम ऑफ सप्लाई, तो मोबाइल को या फिर इंटरनल पार्ट्स को कुछ भी डैमेज ना हो। चलिए इसको खोलते हैं। यहाँ पे एक सेलो टेप टाइप का कुछ है। ओके, इट्स डन नाउ। हियर यू कैन सी दिस इज द रेडमी नोट 7 प्रो और ये हमने ऑर्डर किया है नेपच्यून ब्लू कलर में। ओके, नेपच्यून ब्लू कलर में ये पैकेजिंग है। और हम लोग देखते हैं कि इस बॉक्स में क्या है। ये एक इंडियन वेरिएंट है, इंडियन वेरिएंट। यहाँ पे दो सील आपको दिखेगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये दोनों को हम लोग कट करते हैं। सो हियर इज द बॉक्स। जैसे हम लोगों ने बॉक्स को खोला है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग को मिलेगा कुछ पेपर वर्क एंड द कवर। कवर की क्वालिटी देख लेते हैं। ये जस्ट एक वाइट कवर है और ये टाइम टू टाइम ये आपका थोड़ा सा फेड कलर का हो जाएगा, ठीक टाइप। एंड नाउ हियर कम्स द फोन। आप देख सकते हैं कि ये फ़ोन है रेडमी नोट 7 प्रो। मैंने इसको बहुत मेहनत से ऑर्डर किया, बहुत मेहनत लगा है। फ़ोन को हम लोग यहाँ पर रखते हैं। ये पेपर बॉक्स है और ये आप देख सकते हैं कि ये डेटा केबल है जो कि आपका है टाइप सी होना चाहिए। लेट्स सी, या इट इज़ अ टाइप सी केबल एंड द एडेप्टर। और एडेप्टर का आउटपुट यहाँ, हाँ यहाँ लिखी हुई है। ये आप देख सकते हैं कि एक 10 वाट का एडेप्टर है। सो दैट्स इनफ। हम इस प्लास्टिक को हटा देते हैं, बहुत इजीली ये प्लास्टिक हट जाएगी, ये नीचे का प्लास्टिक भी। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ ग्लॉसी फिनिश है, ये काफ़ी अच्छा दिखता है फ़ोन रेडमी नोट 7 प्रो। ये मेरा ड्रीम फ़ोन है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ये फ़ोन स्टार्ट हो गई है। ये कुछ पेपर वर्क्स को हम लोग कर देते हैं साइड। एंड सिम इजेक्टर टूल, लेट मी सी वेयर इट इज। या हियर इज द सिम इजेक्टर टूल। ये फ़ोन स्टार्ट हो रही है। Redmi बाय Xiaomi, पहले यहाँ पे Xiaomi लिखा रहता था लेकिन अभी Redmi लिखा आ रहा है। सो यहाँ पे आपको सेटअप करना होगा MIUI। इंग्लिश इंडिया कर देते हैं क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं। सो हेयर चूज योर रीजन, एक्चुअली इंडिया कर देते हैं। फॉरवर्ड, ओके, सेटिंग रीजन। ये सबसे पहले रीजन सेट करता है। नाउ कनेक्ट टू नेटवर्क। अगर आपके पास अभी नेटवर्क है तो ठीक है, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। स्किप द स्टेप बिकॉज मेरे पास अभी सिम कार्ड नहीं है इसमें लगाने के लिए। चेक अगेन, स्किप कर देते हैं। एक्सेप्ट। गूगल अपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताते हैं जिसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। जस्ट अ सेकेंड और ये फ़ोन हो जाएगा स्टार्ट। सो यहाँ पे पासवर्ड सेट करना पड़ता है। सबसे पहले फिंगरप्रिंट, एक हम पैटर्न लगा देते हैं।
add a fingerprint. Cephalic pattern. Remember password option, got it. एक पैटर्न हम कुछ भी लगा सकते हैं, दोबारा लगाना पड़ेगा. कंफर्म एंड ऐड फिंगरप्रिंट. फिंगरप्रिंट सेंसर को टच करना है, ये बार बार टच करना होगा और फिर ओके. फिंगरप्रिंट सेट सक्सेसफुली हो गया. चूज अ थीम, आप कोई भी थीम चूज कर सकते हैं, मैं इसे चूज कर रहा हूँ. ओके क्लासिक. नाउ अप्लाइंग थीम्स, और यहाँ पे आपका लिखा हुआ आ गया है दैट द सेटअप इज कंप्लीट. लोडिंग एप्स, एप्स अब लोड हो रहे हैं बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम ये मोबाइल ऑन हो रहा है. लोडिंग एप्स दोस्तों, बहुत ही मेहनत से मुझे ये मोबाइल मिला है. कैसे हमने ऑर्डर किया है फ्लैश सेल में वो भी मैं आपको बता दूंगा इसके नेक्स्ट वीडियो में, आपको उसके भी लिंक्स मिल जाएंगे. एप्स लोड हो रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लगता है, इट्स अ टाइम टेकिंग. सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये है आपका सिम ट्रे, यहाँ पे आपका डेडिकेटेड सिम ट्रे है, यहाँ आपका लॉक बटन और पावर लॉकर्स है, टाइप सी केबल, और यहाँ पे सबसे मेन हाईलाइट ये जो आप देख सकते हैं ये है 48 मेगापिक्सल का कैमरा. आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना ह्यूज कैमरा है, इसका लेंस काफी ज्यादा बड़ा है. और ये ऊपर है 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा. सो हियर इट इज. फोन काफी तगड़ी है, इसका लुक एंड इसका फील भी काफी स्टाइलिश है. और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं इसमें फिंगरप्रिंट जो है टचेस ये गंदा नहीं होता है ये जल्दी, बिकॉज ये ग्लास बॉडी है फ्रंट एंड रियर दोनों में. कॉर्निंग गोल्डा ग्लास 5 दिया हुआ है, और आप एक देख सकते हैं यहाँ पे छोटी सी एक नॉच है. एंड दिस फोन गिव्स अ प्रीमियम फील ऑन हैंड रियली. इसके नॉच थोड़े से बड़े बट नो प्रॉब्लम, ऊपर में भी और साइड में भी थोड़े से नॉच बड़े बड़े हैं, इसके बेजल्स थोड़े से चौड़े हैं, बट नॉट अ प्रॉब्लम. लेट्स सी इसके कैमरा कैसे हैं. जैसे कि हम लोग कैमरे में जा रहे हैं, अलाउ करना होगा इसमें AI कैमरा. ओके आर्टिफिशियल कैमरा ऑन हो रहा है ऑटोमेटिकली. या नाउ दिस इज द कैमरा इंटरफेस. एक पिक क्लिक किए, ये जस्ट अलाउ करना पड़ेगा. नाउ यू कैन सी द फोटोज. ओके नाउ बैक करते हैं इसको. यहाँ पे देखते हैं 48 मेगापिक्सल, दिस इज द 48 मेगापिक्सल. काफी बार हमने सुना था कि ये 48 मेगापिक्सल को फोटो क्लिक करने पे थोड़ा सा टाइम टेकिंग है. लेट्स सी कि 48 मेगापिक्सल पे फोटो लेने पे कितना टाइम लग रहा है. यहाँ पे आप देख रहे हैं सेव होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है. हमने दो दो फोटो क्लिक किया, अब हम इस 48 मेगापिक्सल को पिक को देख सकते हैं. सो दिस इज द 48 मेगापिक्सल डुअल कैमरा. कैमरा टेस्ट हम थोड़ा सा बाद में अपलोड करेंगे इसका फुल कैमरा रिव्यू, और हम इसे कंपेयर भी करेंगे दूसरे फोन से, वो सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे. सो दिस इज द फोन एंड आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू डेव टेक. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.